अगर आप भी अपने नॉर्मल बायोम्स वाले माइनक्राफ्ट एसएमपी को खेल के बोर हो चुके हो और सेम स्ट्रक्चर को बार बार देख के पक चुके हो, तो आज मैं एक ऐसा प्लगइन लेके आया हूँ जिसके मदद से आप अपने पूरे माइनक्राफ्ट एसएमपी को पूरा चेंज कर सकते हो। हर एक स्ट्रक्चर चाहे वो मेंशन हो या फिर आपका पेड़ पौधे हो या फिर जो कुछ भी, सब कुछ स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या ही मस्त एसएमपी का जो स्ट्रक्चर है, पेड़ पौधे है और जो भी आपको अंदर में स्ट्रक्चर वगैरह दिखेगा ना हर एक बायोम का, सब काफी रोमांचक होगा, काफी ज्यादा मस्त होगा। बट ये सब आप कैसे कर सकते हो बस एक प्लगइन की मदद से, और जो प्लगइन है उसका सेटअप कैसे करोगे ये सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आप इसको अपने मल्टीवर्स के सर्वर में भी यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टीवर्स में अलग वर्ल्ड क्रिएट करते हो तो उसमें भी ऐसे बायोम्स वाले वर्ल्ड क्रिएट करके यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, वाले प्लगइन का सजेशन भी हमारे सब्सक्राइबर कुशवाहा भाई ने दिया है, तो उनको मेरे तरफ से एक बड़ा वाला शाउट आउट। और अगर आपको इसको अपने एटर्नल सर्वर में डालना है तो सबसे पहले आपको अपने एटर्नल सर्वर पे चले जाना है और अपने सर्वर को स्टॉप कर देना है। अगर पहले से स्टार्ट है तो ठीक, स्टॉप करके ही प्लगइन डालना, और जो भी सेटअप बताऊंगा वो स्टॉप करके ही करना, स्टार्ट करके नहीं। ओके, तो पहले सर्वर स्टॉप कर देना, फिर प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन में जाना और यहाँ पे आप टेराफॉर्म जनरेटर लिख के सर्च करना तो आपको एक प्लगइन आएगा, बस एक ही ये वाला, इस पे क्लिक करना और इसके जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यहाँ पे डाल के इंस्टॉल कर लेना अपने सर्वर में। ठीक, और जब ये टिक मार्क आ जाए मतलब ये आपके सर्वर में डल चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को एक अलग टैब में ओपन कर लेना। ठीक, ये लिंक हमारा प्लगइन का स्पीकर का लिंक है, यहाँ से भी अगर आप अलग होस्टिंग यूज करते हो तो डाउनलोड कर लेना, बट अगर नहीं डाउनलोड करना फिर भी इस वाले वेबसाइट को खोल लेना क्योंकि सेटअप में काम आएगा। तो इसको अलग खोलने के बाद अपने सर्वर में जाना और फिर आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है, पहले प्लगइन डालना है फिर वेबसाइट ओपन करना है फिर आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा bucket.yml में, फाइल के अंदर ही, ठीक, प्लगइन के फोल्डर में नहीं। तो नॉर्मल आप फाइल पे जाओगे वहीं पे आपको एक bucket.yml का फाइल होगा, इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाना है आपको। और इसके अंदर जाके आपको एकदम नीचे जाओगे ना तो आपको कुछ भी मतलब लिखा नहीं है, बस ये वाला जो लास्ट लाइन है यहाँ पे क्लिक करना, इंटर करना और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाओगे, टेराफॉर्म के प्लगइन के वेबसाइट पे, और एकदम नीचे जाओगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाने पे ऐसे दो टोल लिखा आएगा, कोई भी एक जो अंदर में लिखा ना वर्ल्ड और जो भी टेराफॉर्म, इसको पूरा कॉपी कर लेना दोनों में से कोई भी। ठीक, कॉपी करके फिर आप यहाँ पे जो bucket.yml के एकदम लास्ट में यहाँ से इंटर करना और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना, बस पेस्ट हो गया। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, ये सेव कर दो। अलग होस्टिंग यूज करते हो तो उसमें भी ऐसे ही करना, एटर्नस करते हो तो उसमें भी ऐसे करना। और इतना करने के बाद आपको फिर फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना है और जो आपका पहले से वर्ल्ड का फोल्डर होगा ना वो यहाँ पे डिलीट कर देना। ठीक, क्योंकि हमारा वर्ल्ड का जो हमने bucket.yml में डाला ये वाला जो वर्ल्ड लिखा है ना, ये हमारा वर्ल्ड के फोल्डर का नाम है, तो वर्ल्ड है तो यहाँ वाला जो डिफॉल्ट पहले जो वर्ल्ड होता है उसको डिलीट कर देना। बस इतना करने के बाद आप सर्वर को पे जाओ और सर्वर रिस्टार्ट कर दो। और अगर आपको मल्टीवर्स भी यूज करना है तो मल्टीवर्स कोड का प्लगइन डाल देना और जब आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाए उस बाद गेम के अंदर जाओ, सर्वर को रिफ्रेश करो और अपने सर्वर को ज्वाइन कर लो। और जो आपका डिफॉल्ट वर्ल्ड वाला वर्ल्ड नाम का जो वर्ल्ड है वो हमारा चेंज हो चुका है, उसका बायोम चेंज हो चुका है। जैसे कि आप ज्वाइन करोगे तो टेलीपोर्ट होकर जब आएगा तो लेट्स सी, देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं, लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ल्ड लोडिंग एंड ये सर्वर आ गया, थोड़ा लोड हो रहा तो थोड़ा आपको अटेंडेंस में टाइम लगेगा, अटेंडेंस का टाइम कम होता है तो थोड़ा आप पेशेंस से वेट करना, आप यहाँ जमीन पे ही हो पर इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अटेंडेंस थोड़ा पुअर है। तो देखो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएटिव हो जाता हूँ और क्रिएटिव होकर अब हवा में उड़ूंगा तो आप देखो हमारा जो बायोम है भाई साहब, ये देखो पहले ही जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पेड़ वगैरह, देखो कितना अलग पेड़ है और कितना मस्त बायोम है जो नॉर्मल बायोम है। ठीक, अलग अलग बायोम में आपको टेलीपोर्ट होना है तो वो भी दिखाऊंगा, बस थोड़ा अटेंडेंस थोड़ा है, दिक्कत करता है क्योंकि इसका रैम वगैरह कम है। बाकी इसके बायोम आप देखोगे ना घूम घूम के अपने सर्वर एसएमपी में डाल के, तो भाई क्या ही गजब का बायोम लगेगा, आपके जो मेंबर्स होंगे एसएमपी के उनको काफी पसंद आएगा, उनको काफी मजे आएंगे खेलने में। तो आप ऐसे अलग अलग बायोम डाल सकते हो और अगर आपको अपने इसी वर्ल्ड में अलग अलग बायोम पे टेलीपोर्ट होना है, कौन सा बायोम कहाँ पे वहां पे जाना है तो आप उसको भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको लिखना है /terra, आप टेरा भी लिख सकते हो या टेराफॉर्म भी लिख सकते हो, तो मैं टेराफॉर्म लिखता हूँ, फिर स्पेस देना, फिर आप लोकेट या लोकेट बायोम कर देना तो मैं लोकेट बायोम करता हूँ, फिर स्पेस देना और सारे बायोम का आपका नाम आ जाएगा, आपको जिस बायोम में भी जाना है उसका नाम लिखे आप वहां पे टेलीपोर्ट हो सकते हो। और अगर आपको कुछ बायोम नहीं कहीं स्पेशल अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होना है तो आप लोकेट बायोम के जगह ओनली लोकेट लिख के स्पेस दोगे तो यहाँ पे मेन मेन जो पॉपुलर चीज है वहां उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन पॉपुलेटर या फिर स्ट्रांग होल्ड पॉपुलेटर, यहाँ पे बहुत कुछ आपको अलग अलग मिल जाएगा आपको, जहाँ पे यहाँ पे देखो पिरामिड का भी होगा, पिरामिड पॉपुलेटर भी है, तो आप कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेंशन क्लिक करके इंटर करूंगा
करूंगा तो मेंशन कहां पे है उसका आपको लोकेशन आ जाएगा, एक्स लोकेशन और जेड लोकेशन, और वाई लोकेशन पे आप 100 लिख देना। सबको लिखना है सिर्फ टीपी स्पेस एक्स लोकेशन है 1344, तो 1344 स्पेस 100, वाई लोकेशन 100 लिख देना और फिर स्पेस देके ये लोकेशन है -1216 एंड इंटर। तो अब हम मेंशन जो जहां पे है मेंशन वाला जो बायोम है वहां पे हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे और वहां का जो मेंशन वगैरह है वो देखते हैं, ठीक। ऐसे आप कोई भी बायोम का नाम जो वहां पे ऑप्शन आ रहा था किसी का भी नाम लिख के आप वहां पे टेलीपोर्ट हो सकते हो और उसका लोकेशन वगैरह देख सकते हो। अटेंडर थोड़ा स्लो है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आपको वेट करना है, ठीक। अगर आपके सर्वर में ज्यादा कुछ है तो, मेरे में बहुत कुछ है इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आपका न्यू सर्वर है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो ये देखो ये मैं टेलीपोर्ट हो गया डायरेक्ट मेंशन के ऊपर में, और इसका जो मेंशन है वो भी देखो मेंशन का भी जो स्ट्रक्चर वगैरह है काफी अलग आपको देखने मिलेगा और काफी मस्त मेंशन देखने मिलेगा। आप इन सारे मेंशन को भी घूम के एंजॉय कर सकते हो और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर को देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड में दिखाऊं तो काफी मस्त यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा मेंशन का भी, और मेंशन के अलावा ये देखो ये क्या ही मस्त स्ट्रक्चर का यहाँ पे नेदर पोर्टल है जो कि काफी ज्यादा अलग है और इसको आप लोग मतलब घूम के देख सकते हो। इस वाले बायोम में आपको मतलब जो भी बायोम है पूरा एसएमपी का बायोम मतलब इस वर्ल्ड का पूरा बायोम ही चेंज है। आप कहीं भी जाओगे किसी भी बायोम में जाओगे हर जगह आपको ओपीओपी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ओपीओपी बिल्ड देखने मिलेगा, ओपीओपी चीजें देखने मिलेगी जिसको आप लोग खुद देख के इंजॉय करना और देखना क्या क्या अलग है और क्या क्या सेम है। सेम तो बहुत कम चीज दिखेगा, ज्यादातर अलग दिखने मिलेगा, तो आप अलग अलग बायोम में जाके इसको इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो कैसा बायोम है, ठीक। और अगर आप मल्टीवर्स कोर का प्लगइन यूज करते हो, एक आपको इसी बायोम का मल्टीवर्स का वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है /MVC स्पेस वर्ल्ड का नाम लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ सर्वाइवर और फिर यहाँ पे नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद आपको क्या लिखना है वो देख लो। नॉर्मल के बाद आपको -G लिखना है और फिर स्पेस देके आपको टेराफॉर्म जनरेटर लिख के इंटर कर दो, तो आपका एक सर्वाइवर नाम से इतना जल्दी वर्ल्ड क्रिएट भी हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे MVTP स्पेस सर्वाइवर करके इंटर करेंगे, तो हम एक मिनट मैंने सर्वाइवर का स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो सर्वाइवर लिख के इंटर करेंगे तो अब हम जो मल्टीवर्ल्ड का सर्वाइवर वर्ल्ड हमने क्रिएट किया उसमें टेलीपोर्ट होंगे और उसका भी जो बायोम होगा कुछ इस टाइप का ही गजब का होगा, क्योंकि सर्वर स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा, तो मैं देखो लोड होने लगा। तो अब हम उस वाले वर्ल्ड में जाते हैं और उस वर्ल्ड का कैसा बायोम है चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक। मतलब कि आप इस प्लगइन के मदद से पूरे सर्वर का बायोम चेंज कर सकते हो, चाहे वो मल्टीवर्स कोर का प्लगइन हो, मतलब मल्टीवर्स कोर का वर्ल्ड हो या आपका डिफॉल्ट वर्ल्ड हो, हर एक वर्ल्ड का बायोम अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, काफी मस्त हो जाएगा और आप अपने दोस्तों के साथ उसको खेल के एंजॉय कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे मल्टीवर्स के वर्ल्ड में जा टेलीपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे भी मैं क्रिएटिव हो जाता हूँ और क्रिएटिव हो गए यहाँ पे भी। अगर आपको दिखाऊं तो ये भी देखो सेम अलग ही बायोम आपको देखने मिलेगा, इसमें भी आपको टेलीपोर्ट होना है तो इसमें भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये देखो ये क्या ही मतलब डिजाइन वगैरह का बायोम है, काफी अलग, मतलब ये आप जिस भी बायोम में जाओगे ना हर एक जगह आपको अलग अलग नक्शे देखने मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, तो देख के आपको मजा भी आएगा और आप लोग इसको खुद ग्राइंड करोगे, अलग अलग बायोम में जाओगे और खेलोगे तो मतलब अलग अलग चीजें देख के आपको मजा आएगा, बोरिंग नहीं होगा। तो आप अपने अगर SMP चला रहे हो सर्वाइवर SMP खासकर, तो उसमें इस वाले प्लगइन को जरूर यूज करना, काफी लोगों को मजा आएगा क्योंकि बाकी सारे SMP से काफी ज्यादा अलग SMP हो जाएगा आपका अगर आप इस वाले प्लगइन को डाल के सेटअप करते हो तो। अगर आप मल्टीवर्स में भी अलग अलग पायो में टेलीपोर्ट होना चाहते हो तो वही टेरा सेम वही कमांड लिखना, टेरा स्पेस लोकेट स्पेस जो भी पायो में आपको टेलीपोर्ट होना है वहां पे उसका नाम लिख दो, जैसे मैं पिरामिड लिख के यहां पे इंटर कर दूंगा, उसका लोकेशन आ जाएगा। तो आप टीपी स्पेस 1344 स्पेस 100 स्पेस 320 एंड इंटर और आप पिरामिड का जो बायोम है वहां पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, ठीक। जैसे कि मैं यहां पे टेलीपोर्ट हो गया, तो यहां का जो पिरामिड है ये भी आप देखो ये भी क्या ही मस्त है और इसके आसपास का जो भी आपको इसमें स्ट्रक्चर देखने मिलेगा ना सभी अलग होगा, सभी यूनिक होगा, सभी आप ग्राइंड करके खुद देखना, मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो आप मतलब खुद क्या ही एंजॉय करोगे। तो खुद जाओ SMP में डालो और अपने मेंबर से पूछो आपको वो डिफॉल्ट बोरिंग वाला स्ट्रक्चर ज्यादा पसंद है या फिर इसमें जो ओपीओपी अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तो लोगों को यही मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ नया देखने मिलेगा भाई, वो वाला तो हम लोग इतने सालों से खेलते आ रहे हैं तो आप ऑब्वियस बात है उसमें लोग बोर हो ही जाएंगे। तब एक बार अलग स्ट्रक्चर भी अपने SMP में डाल के ट्राई जरूर करना, ठीक। बाकी का अगर आपको भी कुछ ऐसे अलग अलग सजेशन हो तो आप मेरे डिस्कॉर्ड में टिकट क्रिएट करके मेरे को बता सकते हो, जो मेरे को पसंद आएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसमें शाउट आउट मिल जाएगा, जो मेरे को पसंद नहीं आएगा वो मैं नहीं बना पाऊंगा तो उसके लिए सॉरी, बट सजेशन जरूर देना और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार प्लीज, बाय बाय।